आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वो दिन एक ठंडी की सर्दियों की रात थी। दूर के गांव में रात में एक बाउल संप्रदाय का गीत उत्सव था। जैसे जैसे रात होती गई, बाउल गीत उत्सव में और भी भीड़ बढ़ती गई। प्रसिद्ध बाउल कलाकार आते थे और प्रदर्शन करते थे। उस समय हम जवानी की ओर बढ़ रहे थे। जब भी दूर के गांव में कोई भी कार्यक्रम होता तो हम समूह में दौड़ते थे। घर भले ही जाने से मना करे, मगर मैं गीत या फिर किसी के लिए भी चुपके से चला जाता था। बचपन में हम बहुत बदमाश थे। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। मैंने अभी अभी खेल कर घर वापस आया था और मुंह हाथ धो लिया, दिया जलाया, फिर अपने कमरे की खिड़की के पास बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करने लगा। खिड़की थोड़ी सी बंद थी, चांदनी रात की रोशनी दिखाई दे रही थी। खिड़की से देखने पर दूर से चाचा के मिट्टी के घरों के छत की ओर देखा जा सकता था। हमारे घर के पास खिड़की के सामने कमारंग का पेड़ है, 12 महीनों का पेड़, साल भर पका कामरंगा फल वात्सव में हमारे घर के कामरंगा पेड़ों पर ही मिलता था। तब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था और सब कुछ मुखस्त करने की कोशिश कर रहा था। जब मुखस्त करना लगभग खत्म हो गया तो मैंने खिड़की की ओर देखा कि कोई लंबे हाथ से मेरी ओर इशारा कर रहा है। उंगलियां लंबी और पतली थी। पतली उंगलियां गलत इरादे के साथ मेरी ओर इशारा कर रहे थे। मैं चिल्लाया नहीं, डर के मारे बिस्तर से कूद गया और दरवाजे के पास छिपने की कोशिश करने लगा और देखने की कोशिश करने लगा कि यह किसका हाथ है। ध्यान से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि यह एक इंसानी हाथ है, क्योंकि वो हाथ मांस और हड्डी का है। मैंने देखा कि हमारे पड़ोस का लड़का रघु का हाथ है। मैं तो डर ही गया था, लेकिन इतना भी नहीं, मैंने रघु का हाथ खींचा और उसे हल्का सा मरोड़ दिया, फिर एक गाली भी दिया। रघु फुसफुसा कर कहा, अबे हाथ छोड़, मेरा हाथ तोड़ेगा क्या? चल बाउल गीत सुने नहीं जाएगा? हम सब तैयार हैं, घर से खा कर जाएंगे। तू क्या पढ़ता रहता है? हमें क्या पढ़ाई की जरूरत नहीं है? हम भी पढ़ेंगे मगर बाद में। चल सब लोग स्कूल के बिल्डिंग के पीछे रसोई घर के पास तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आना, मैं तुझे बुलाने नहीं आ सकता। ठीक है, कहकर मैंने रघु को भगा दिया और गुनगुनाते हुए बिस्तर पर वापस आ गया और पढ़ने लगा। मैंने अपनी माँ को रात का खाना लाने के लिए बुलाया। माँ 8 रोटियाँ और 1 कटोरी खजूर गुड़ पढ़ने की जगह पर दे गई। मैं भी रोटियों को निगलता गया, चादर ओढ़कर अपनी किताबें पैक की और रात में अपने पिता को छुप छुपा कर घर से बाहर निकल गया। मैं शॉर्टकट लेकर चाचा जी के आंगन से आगे बढ़ रहा था। अचानक मैंने चाचा के छत पर नज़र डाली और देखा कि कोई उनके छत पर सफ़ेद चादर लपेट कर बैठा है। निस्तब्ध रात, रात में कोहरा छा रहा था। नीम के पेड़ों से जमा हुआ ओस टपकता है। सफ़ेद चादर ओढ़ने वालों को देखकर मैं एक कदम भी हिला नहीं पा रहा था, वापस भी नहीं जा सकता। मैं बस उस सफ़ेद रंग को देखे ही जा रहा था जो उस छत पर बैठा था। खतरा सर पर मंडरा रहा था, हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। एक लोमड़ी आई और मेरे पीछे से भागी। मैं तो उस समय बहुत डर गया, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पड़ोस के बिल्लू अंकल ने नन्हे मुन्नों को दोपहर में सड़क पर एक पागल लोमड़ी ने काट लिया था। चाचा के घर के पीछे इमली के पेड़ से एक बड़ा उल्लू उड़ गया और सफ़ेद चादर वाले से लिपटकर मेरी ओर लपका। मैं इस भयानक युद्ध को देखकर तेंदुए की तरह भागने लगा।
जहां दिल चाहा उधर ही भागा। उस सफेद चादर के साथ उधर फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। उतनी ही देर में मैं स्कूल के पीछे रसोई घर के पास पहुंच गया। अपने दोस्तों के उधर मुझे हांफते हुए देखकर सारे दोस्त चौंक गए। सब कोई पूछने लगे कि मुझे क्या हुआ, मैं हांफ क्यों रहा हूँ। मैंने सबको सब कुछ बता दिया। मेरे मुंह से ये बात सुनकर चाचा का बेटा सिमुल हंस पड़ा। मैं हैरान था। उसने हंसना बंद किया और कहा, अबे गधे, क्या तुम दिन में अपने माथे पर आंख रख कर आते हो मेरे घर? तुम नहीं जानते, हमारे छत पर एक बड़ा सा कद्दू था। शायद उस कद्दू के पास कोई चूहा था और उल्लू चूहे को पकड़ने आया और उस कद्दू पर बैठकर नीचे गिर गया। सच में तू उल्लू है? मैं अपने आप पर हंसने लगा कि मैं इतनी छोटी सी बात पर डर गया। मुझे बहुत ही शर्म आ रहे थे। खैर, उस दिन हम समूह में बाउल गीत सुनने गए। जब हम पहुंचे तो भीड़ बहुत ही बड़ी हुई थी। हमारे लिए कोई जगह नहीं थी। हम किसी तरह अंदर जाकर बैठ गए। हमने काफ़ी देर तक बाउल गीत सुना। जैसे जैसे रात होती गई, बाउल गीत की धुन और भी बढ़ती चली गई। कोई भी शो छोड़ना नहीं चाहता था। मीठी रात की तरह एक समूह गाना गाकर मंच छोड़ देता तो दूसरा समूह मंच पर आकर लोगों के मन को दीवाना बना देता। ऐसे ही समय पर हम पर किसी ने टॉर्च मारा। मैंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे। इशारे का मतलब था कि अब हमें उठ जाना चाहिए। हम सब पापा के इशारे को समझ गए और एक तरह की मजबूरी में गीत के दरबार से बाहर आ गए। अब घर जाने का समय हो गया था। सब चुपचाप घर लौट रहे थे। पापा सामने टॉर्च लाइट चलाते हुए और हम पीछे पीछे बढ़ रहे थे। हम समझ रहे थे कि अभी रात बहुत हो गई है, ज्योत्सना खत्म हो गया है, अंधेरा पास आ रहा है। मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि मैं इतने लोगों के बीच में बैठा था। बाहर आने पर मैं हड्डी कपाने वाली ठंड महसूस कर रहा हूँ। नाक से पानी टपक रहा था। सबकी एक ही हालत थी। बाबा बहुत ही ज्ञान देते रहते हैं। बहुत दूर जाने के बाद हम स्कूल के पीछे की रसोई के घर के पीछे आ गए। अगर हम उस शॉर्टकट रास्ते से थोड़ा सा भी चलेंगे तो हम अपने घर के नज़दीक पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्दी। फिर दूसरे दोस्तों के घर भी नज़दीक ही होंगे। पापा एकाएक करके सबको छोड़कर घर लौटेंगे। तब भी स्कूल के हॉस्टल के किचन में आग को जलता हुआ देख हम दंग रह गए। मैंने अपने पापा से कहा, जब हम बाउल गीत सुनने जा रहे थे इसी रास्ते से, तब भी ये आग जली रही थी और अब भी चल रही है। पापा हैरान रह गए और बोले, जब मैं गया तब तो कुछ नहीं था, आग नहीं थी। तुम यहाँ थोड़ी देर खड़े रहो, मैं खिड़की से देखता हूँ, मेरे लौटने तक कोई कहीं नहीं जाएगा। रसोई की खिड़की के गैप पर नज़र रखते ही पापा की आंखें बड़ी होने लगी। पिताजी ने खिड़की के पास जाकर देखा, एक बड़े बर्तन में चावल को उबलते हुए, और चावल के झाग का रंग लाल था, बिल्कुल खून की तरह। एक बूढ़ी औरत पिताजी की तरफ पीट करके एक बड़ी मिट्टी की भट्टी जला रहे थे। वो औरत शांत थी। वो ज़मीन पर प्लाथी मार कर बैठे हुए थे। कड़ाके की ठंड में जलती भट्टी। पिताजी एक बहादुर आदमी थे। पुराने दिनों की खिड़की। पिताजी ने खिड़की को हिलाया और थोड़ा बेहतर देखने के लिए चले गए। अचानक एक धमाके के साथ खिड़की खुली और नीचे गिर गए। पिताजी खिड़की को पकड़ेंगे या गिरने देंगे वो सोचने लगे। झुकते हुए उन्होंने फिर ऊपर देखा और बूढ़ी औरत को खड़ा देखा। बुढ़िया ने विपरीत दरवाजे की ओर देखा। बुढ़िया दरवाजे की ओर चली गई और बिना दरवाज़ा खोले गायब हो गई। बुढ़िया के जाते ही पिताजी को थोड़ा अजीब सा डर लगा। पिताजी एक कदम पीछे हटकर फिर से आगे बढ़ते हुए
अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे। और ये क्या, चूल्हे को देखकर पिताजी फिर से हैरान हो गए। लंबी हड्डियां, खोपड़ी और कंकालों का उपयोग चूल्हे को जलाने में किया गया था। खून से रंगा हुआ चावल एक बड़े बर्तन में उबल रहे थे। दो कटे हुए इंसानी सिर दूर कोने में पड़े थे। हम अब भी दूर अंधेरे में खड़े थे। सर्दी की हवा हमारे कान उड़ा रहे थे। तभी अचानक ही हमने देखा कि रसोई में रोशनी बंद हो गई। फिर पापा तुरंत ही टॉर्च जलाकर बाहर निकले और हम सबसे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने को कहा। हम सभी पिताजी के साथ जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए। उस रात किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी, मेरी तो नहीं थी, शायद और कोई भी नहीं सोया होगा। सुबह होते ही पिताजी और मोहल्ले के लोग स्कूल के रसोई घर को देखने गए तो वहाँ पर जो हालत थी वो सब देखकर सब लोग जैसे डर से कांपने लगे। खिड़की वैसी की वैसी ही थी, पहले जैसी नीचे गिरी हुई नहीं। पुलिस ने आकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि चावल का बर्तन अब भी खून से लथपथ है। कमरे के एक कोने में दो कटे हुए सिर पड़े हैं। वो सिर किसके हैं ये किसी को नहीं मालूम। दबाव रक्त पूरे कमरे में फैला गया था। हॉस्टल की दीवार पर खून से लिखा था, मैंने बदला लिया। मगर आज तक किसी को भी ये समझ नहीं आया कि वो सब क्या था और वो बदला किससे लिया, किसने लिया, ये किसी को भी नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये बात थोड़ी पुरानी है, ये सर्दियों के वक्त की बात है। बहुत साल पहले हम लोग जब गांव में रहा करते थे तो मेरे दो दोस्त बहुत ही खास थे। उन दोनों का नाम था राजेश और कमलेश। राजेश और कमलेश के साथ मेरी दोस्ती बहुत गहरी थी। हम लोग जहाँ भी जाते थे हमेशा साथ में ही जाते थे। जैसा कि सर्दियों का समय था तो हम तीनों ने तय किया कि क्यों ना हर रात खेत में जाकर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर जलाई जाएं और वहाँ पर थोड़ी देर बैठकर हंसी मजाक किया जाएगा। तो फिर हम लोगों ने यही तय किया और फिर उस दिन के बाद से हम लोग रोज़ाना रात को खेत में जाने लगे और लकड़ी इकट्ठा करके जलाते हैं। वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं और फिर हंसी मजाक करते हैं, फिर वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। ऐसा ही चलता रहा। करीब एक हफ्ता बीत गया, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग बड़े आराम से जाते आते हैं। मगर एक रात जब मैं अपने घर से निकल रहा था तभी मेरी माँ ने टोका, अरे बेटा आज अमावस की रात है, आज कहाँ जा रहा है तू? तो इस पर मैंने माँ से कहा, क्या अमावस की रात, वो क्या होता है? तो इस पर माँ ने कहा, बेटा आज की रात चंद्रमा आसमान पर नहीं निकलता, आज की रात भूत प्रेत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, आज बाहर मत जा। तो इस पर मैंने अपनी माँ का पहले तो मजाक उड़ाया ये कहकर कि ये सब भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, जिसके बाद मैं अपने घर से निकल गया। चलते चलते मैं खेत के पास पहुँचा तो वहाँ पर मैंने देखा कि कोई नहीं है। मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्त लोग नहीं आएंगे, मगर फिर मैंने सोचा कि वो लोग इतने डरपोक भी तो नहीं हैं कि अमावस की वजह से यहाँ ना आए। जिसके बाद मैंने थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठा की और आग जलाया। अभी मैं वहाँ आग जलाकर बैठा हुआ ही था कि तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने सिर उठाकर देखा तो पाया कि कोई चलता हुआ मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है। मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्तों में से ही कोई होगा। वो जब चलते चलते मेरे करीब आया तो मैंने पाया कि वो कमलेश है। कमलेश मेरे पास आकर बिल्कुल सामने सामने बैठा, जिसके बाद मैंने कमलेश से पूछा,
अच्छा वह तू आ गया, क्या लगता है राजेश आएगा कि नहीं? इस पर कमलेश कुछ देर मेरी ओर देखा और फिर कहा, पता नहीं वो आएगा कि नहीं। इस पर मैंने कहा, तुझे तेरे घर वालों ने मना नहीं किया आने से अमावस्या का बोलकर? मुझे तो किया था, मैं चला आया। तो इस पर कमलेश ने कहा, मुझे भी मना किया था मगर मैं माना ही नहीं। जिसके बाद मैं और कमलेश थोड़ी थोड़ी बातें करने लगे। बातों के दौरान मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कमलेश कुछ छिपा रहा है या फिर चुप चुप सा रह रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कमलेश बहुत ही बातूनी लड़का था, हमेशा बकबक करता ही रहता था। तो फिर आज इसे क्या हो गया? मुझे कहीं ना कहीं कुछ अजीब महसूस हो रहा था। तभी मैंने कमलेश के पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। दरअसल कमलेश के दोनों पैर उल्टे थे, यानी कि उसके दोनों पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। मैं समझ गया कि ये कमलेश नहीं बल्कि ये कुछ और ही है, मगर अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इससे अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। मैं खड़ा हुआ और फिर उठकर जाने लगा। जाते जाते मैंने कहा, कमलेश आज ठंड बहुत ज़्यादा है यार, मैं जा रहा हूँ घर, तू बैठेगा तो बैठ वरना मैं घर जा रहा हूँ। तो इस पर कमलेश ने कहा, चुपचाप यहीं बैठा रहे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी यह आवाज़ सुनकर ही मैं समझ गया कि यह कमलेश नहीं हो सकता। मैं चुपचाप वापस से अपनी जगह पर बैठ गया डर के मारे। तभी मुझे याद आया कि दादाजी ने कहा था कि भूत आग के करीब नहीं आते हैं। मैंने भी ये बात नोटिस की कि कमलेश आग से दूर ही बैठा हुआ था। तभी मैंने वहाँ पर एक जलती हुई लकड़ी उठाई और फिर उसे लेकर अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगा। कमलेश मेरे पीछे पीछे आ रहा था मगर वो मेरे करीब नहीं आ पा रहा था। जैसे ही मैं गांव के घरों की सीमा पर दाखिल हुआ कि तभी वो कमलेश या फिर वो जो कुछ भी था वो एकदम से गायब हो गया। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने घर पहुंच गया। घर पर जाकर मैंने सबको पूरी बात बताई तो फिर माँ ने कहा कि वो कोई आत्मा थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।